हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स। पहले करेंगे हम इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। चैप्टर है 15 और चैप्टर का नेम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। 9th क्लास का साइंस का चैप्टर है ये। तो देखिए पेज नंबर 204 से क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीरियल्स होती हैं आपकी अनाज वाली फसलें, जिससे हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है। पल्सेस होती हैं दालें, फ्रूट होते हैं फल, और वेजिटेबल्स हैं आपकी सब्जियां। तो इन्होंने बताना, इसमें यहाँ पे बताना है आपको कि हमें क्या क्या मिलता है। अनाज से हमें क्या मिलता है, पल्सेस से हमें क्या मिलता है, फ्रूट और वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है। मतलब एक तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे कौन से मिनरल्स या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट देखिए, सीरियल्स प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट। सीरियल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हम बोल सकते हैं सीरियल्स प्रोवाइड अस रिच सोर्स ऑफ द एनर्जी। उसके बाद सेकंड है पल्सेस। पल्सेस गिव अस प्रोटीन। पी से पी याद रखेंगे आप, जो दालें हैं उनके अंदर क्या होता है, काफी सारा प्रोटीन्स होता है। थर्ड है आपका यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फल और सब्जियां हैं उनके अंदर क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। खनिज लवण होते हैं उनके अंदर, विटामिन्स होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देम। फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर ज़्यादातर तो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, और फैट्स भी होता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, आंसर था ये। सेकेंड आपका, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं और जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कैसे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बायोटिक होते हैं जैविक, जो जिंदा है जो फैक्टर्स, एबायोटिक होते हैं अजैविक, वो कैसे हमारी जो फसल है उसको प्रभावित करते हैं। तो देखिए बायोटिक में लिविंग थिंग्स आएंगी, जैसे कि पेस्ट आ गई हैं, इसके अलावा निमेटोड्स, और डिजीज होती है बीमारियाँ, पेस्ट होते हैं कीट वगैरह। कैन रिड्यूस द नेट क्रॉप प्रोडक्शन, जो नेट क्रॉप प्रोडक्शन है, जो फसल का उत्पादन है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अ पेस्ट कॉज डैमेज टू एग्रीकल्चर बाय फीडिंग ऑन द क्रॉप। पेस्ट क्या करता है, जैसे कि ग्रास ऊपर वगैरह है, वो क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉप है उसको खाना शुरू कर देंगे, उसको डैमेज शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉल वेविल इज अ पेस्ट ऑन द कॉटन। कॉटन का जो पेस्ट, उसका नाम क्या है, बॉल वेविल। इट अटैक द क्रॉप, कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप के ऊपर अटैक करेगा और उसकी यील्ड को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। वीड्स ऑल्सो रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जो वीड्स होते हैं वो होते हैं आपके अनवॉन्टेड प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर में किया था आपने, वट आर वीड्स, दे आर अनवॉन्टेड प्लांट्स, जो अपने आप फसल के साथ उग जाते हैं। ये क्या करते हैं, कैसे हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइट है, और जो स्पेस है, उसके लिए किससे कंपटीशन करते हैं, हमारी फसलों के साथ। जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट्स डाले, मैन्योर डाले, तो फसलें तो यूज करेंगी उसको, लेकिन साथ में कौन भी यूज करेगा उसको, ये जो हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, वो भी उसको यूज करेंगे। दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा आपका, सेलिनिटी। सेलिनिटी होती है बेसिसिटी, सोयल के अंदर कितनी बेसिसिटी है, कितनी क्षारता है। टेम्परेचर, ये भी क्या करते हैं, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ एक नेचुरल कालमिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं, ड्रोट हो गए, फ्लड्स हो गए, जैसे बाढ़ हो गया या सूखा पड़ गया, ये भी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, इनका हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो इनका भी क्या होगा, हमारी फसलों को प्रभावित करने में काफ़ी बड़ा रोल होगा। ये हमारी फसलों को कम्प्लीटली भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कम्प्लीटली मतलब पूरी फसल को ही ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। आपको क्रॉप के अंदर क्या करना है, सुधार करना है, तो उसके लिए कौन से ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण है, मतलब कौन से आप वैज्ञानिक होने के नाते या विज्ञान की स्टडी करने के नाते आप उसमें कौन से करेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट चाहेंगे। तो सबसे पहला है टोलनेस एंड प्रोफ्यूज, ब्रांचिंग इन एनी फूडर क्रॉप। देखो फूडर क्रॉप वो होते हैं जो हम चारे के लिए यूज करते हैं, तो जो चारे वाली फसलें हैं वो कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, और प्रोफ्यूज का मतलब है कि वो फैली हुई होनी चाहिए ज्यादातर। तो जिससे क्या होगा, जो हमारे एनिमल्स हैं उनको क्या मिल पाएगा, चारा ज्यादा मिल पाएगा। दूसरा है ड्वार्फनेस इन सीरियल्स। सीरियल्स होते हैं आपकी अनाज वाली फसलें, इनकी जो हाइट है प्लांट्स की वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट की हाइट कम होगी तो क्या होगा, इनको ग्रो करवाने के लिए हमें कम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। इनको ग्रो करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे क्या है, एग्रोनॉमिकल करेक्टर्स, किसके लिए, क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए।
नेक्स्ट है, व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है और इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। देखो, जैसे आपको पता है प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, इनको ग्रोथ करवाने के लिए, इनकी हाइट बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए इनको किस चीज़ की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और कुछ एक न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, जिनकी जरूरत लार्ज क्वांटिटीज के अंदर होती है उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कितने नंबर हैं, 6 है नंबर इनके, और इसको हम इसलिए मैक्रो बोलते हैं क्योंकि प्लांट्स को इनकी ज़्यादा जरूरत होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम देखिए क्या क्या है, अलग से है आपके पर्पल कलर के अंदर, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये सारे क्या है, प्लांट्स को जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन न्यूट्रिएंट्स की, उन न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं ये, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं वो कहाँ से लेते हैं। देखिए, 3 सोर्स होते हैं प्लांट के पास न्यूट्रिएंट्स लेने के, एक तो है हवा, पानी और तीसरा है मिट्टी। क्या क्या बोला मैंने, हवा, पानी और मिट्टी। और टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को जरूरत होती है, 16 न्यूट्रिएंट्स की। कितने न्यूट्रिएंट्स की, 16 न्यूट्रिएंट्स की। अब देखिए, और किस लिए जरूरत होती है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की, अपनी ग्रोथ करवाने के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए। इनमें से जो 16 में से जो 13 न्यूट्रिएंट्स है वो तो प्लांट ले लेता है मिट्टी से, सोयल से, और जो बाकी 3 बचते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये प्लांट ये न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन करता है, हवा से और पानी से। हमने किया था ना, 3 सोर्सेज हैं, हवा, पानी और मिट्टी। मिट्टी से 13 न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाएंगे और बाकी जो 3 न्यूट्रिएंट्स बचे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको प्लांट कहाँ से ले लेता है, उसको लेता है हवा से और पानी से, एयर एंड वाटर। नेक्स्ट पेज नंबर 207 से है क्वेश्चन, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग द सोयल फर्टिलिटी। हमें सोयल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं, खाद डालते हैं हम जो, और फर्टिलाइजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं उर्वरक, ये हमें डालने पड़ते हैं मिट्टी के अंदर। तो इन दोनों के यूज को कंपेयर करना है, कौन से अच्छे हैं प्लांट के लिए और कौन से ज्यादा अच्छे नहीं है प्लांट के लिए। तो मैन्योर ज्यादा अच्छे माने जाते हैं प्लांट्स के लिए। अब देखिए ऐसा क्यों है, मैन्योर इंक्रीजेस द सोयल फर्टिलिटी। मैन्योर क्या करते हैं, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय अनरिचिंग द सोयल विद ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि सोयल के अंदर क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, जो प्लांट का वेस्ट है और जो एनिमल का एक्सक्रीटा, मतलब एक तरह से जो वेस्ट है, जब एनिमल्स मरते हैं तो जो वेस्ट है हमारा, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पे डाल दिया जाता है, प्लांट्स के अंदर, मतलब मैन्योर्स की फॉर्म में, और उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइजर्स आर मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल टू द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सोयल। और जो दूसरी तरफ देखा जाए फर्टिलाइजर्स, इनको हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें हम खुद से मिनरल्स ऐड करते हैं, और अगर इनका ज़्यादा यूज करते हैं तो जो हमारे मिट्टी में रहने वाले, मिट्टी के लिए जो फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये क्या कर देते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनका एक्सेसिव यूज क्या कर देता है, सोयल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के अंदर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 208 से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट, वाई। इसमें से कौन सी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन दी गई हैं आपको, आपकी सोयल के लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी, ज़्यादा अच्छी मानी जाएंगी, इनमें से कौन सी कंडीशन है। तो देखिए, फर्स्ट क्या बोला इन्होंने, फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड्स। जो किसान है वो अच्छे बीजों का यूज़ करेगा, और इसके अलावा डोंट अडेप्ट इरीगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर्स, वो खेत में पानी नहीं देगा और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेगा। तो ये किसी तरीके से अच्छा हुआ क्या, देखिए फर्टिलाइजर्स तो यूज़ करेगा, ठीक है, लेकिन हाई क्वालिटी सीड यूज़ किया, ठीक है, लेकिन पानी ही नहीं दिया तो हमारी क्या फसल अच्छी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बी पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा यहाँ से कैंसल, ये हमारा अच्छा वे नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखिए, फार्मर्स यूज ऑर्डिनरी सीड। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, जो सामान्य बीज हैं उनका यूज करेगा फार्मर, एडोप्ट इरीगेशन पानी देगा, यूज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर भी यूज करेगा, एक तरह से ठीक है, लेकिन जो ऑर्डिनरी सीड्स हम यूज करते हैं तो उससे जो यील्ड होती है वो हमारे क्रॉप की अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये भी हमारा इतना बेटर ऑप्शन नहीं है। हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं,
फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड, अच्छी क्वालिटी के सीड यूज करेगा, एडोप्ट इरिगेशन, सिंचाई करेगा, पानी देगा अपने खेत में, फर्टिलाइजर्स का यूज करेगा, यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स और क्रॉप को खराब होने से बचाने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं उसको अपनाएगा। तो सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी जिसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, किसान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो वो है आपका थर्ड सी पार्ट। देखो अब क्या क्या होगा, किससे क्या फायदा होगा। अगर अच्छी क्वालिटी के सीड यूज करेगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो सारे के सारे सीड जर्मिनेट करेंगे, उग जाएंगे और जो हमारे प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। प्रॉपर इरिगेशन यूज करेगा तो क्या होगा, जो वाटर एबिलिटी होगी क्रॉप को वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड है फर्टिलाइजर्स अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, अच्छी ग्रोथ होगी हमारी क्रॉप की, डेवलपमेंट अच्छी होगी, जो जो न्यूट्रिएंट्स के प्लांट को जरूरत है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, वो सब यहाँ से पूरे हो जाएंगे फर्टिलाइजर से। उसके बाद नेक्स्ट है इन्होंने क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या होगा, अलग अलग जो कीट पतंगे हैं, जो वीड्स हैं, जो पेस्ट हैं, वो क्या करते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, इन्फेक्शियस एजेंट हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, वो हमारी क्रॉप को खराब कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी है। तो इससे हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी क्रॉप की, वो बढ़ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, पेज नंबर 209 से है ये क्वेश्चन। व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप। अगर आपको क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है तो दवाइयाँ वगैरह या केमिकल्स वगैरह का यूज ना करें, कम करें। इसके अलावा फसलों को बचाएं और कैसे बचाएं, बायोलॉजिकल तरीके से बचाएं। तो ये क्या है, इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है अभी यहाँ पे। तो प्रिवेंटिव मेजर और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, इनको हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे किसके कंपेयर में, केमिकल्स का यूज करने के कंपेयर में। देखिए क्योंकि अगर हम केमिकल्स यूज करते हैं, हम दवाइयाँ वगैरह यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा एनवायरनमेंट को, उससे क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो ये और जो ये केमिकल्स है जो हमने स्प्रे किए हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, वो एट लास्ट किसके अंदर चले जाएंगे, वो केमिकल्स हमारे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स खाएगा। एनिमल्स को कौन खाएगा, ह्यूमन बींग्स यूज करेंगे, दूसरे एनिमल्स यूज करेंगे। तो जो केमिकल्स है घूम फिर के किसी ना किसी तरीके से वो मनुष्य के अंदर क्या करते हैं, चले जाते हैं, जिससे हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है इनका। तो हमें क्या करना चाहिए, केमिकल्स का यूज कम, उसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर करेंगे हम, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब हम फसलों को इस तरह से उसकी देखभाल करेंगे कि उसमें कम से कम उसको नुकसान हो। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अच्छी तरह से सोइल को प्रिपेयर करेंगे हम, अच्छे सीड की प्रिपरेशन करेंगे, टाइम से सीड को ग्रो करवाएंगे, डालेंगे जमीन के अंदर, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग आगे करेंगे हम। क्या होता है ये पैटर्न्स यूज करेंगे हम, यूजेज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप, ऐसी क्रॉप की वैरायटी उगाएंगे जिनमें बीमारियां कम लगती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके, ये तो हो गया प्रिवेंटिव मेजर। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, हम इस तरह के बायोपेस्टिसाइड का यूज करेंगे जिनके अंदर केमिकल्स क्या होंगे, कम होंगे, जो कम टॉक्सिक होंगे हमारे एनवायरमेंट के लिए। एग्जाम्पल है जैसे कि बैसिलस ट्रेंजेनिसिस, ये क्या है, एक तरह का हमारा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो लार्वा होता है उसको किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स को क्या होता है, नुकसान कम होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो दोनों मेथड्स है, प्रिवेंटिव मेजर और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, ये हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए काफी फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट है वर्स्ट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ द ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। जब आप भंडार करते हो, स्टोर करके रखते हो ग्रेन्स को, तो वहां पे कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो अनाज को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे हमारे ग्रेन्स खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो तरह के फैक्टर्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। क्या है, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जैसे कि हमने स्टोर करके रखा, घर पे भी रखते हैं हम किचन के अंदर स्टोर करके ग्रेन्स वगैरह को, दालों को, तो वो क्या होते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं उनके ऊपर, रोडेंट्स जैसे कि चूहे वगैरह है वो खा जाते हैं उनको, माइट्स वगैरह लग जाएगी, फंगस लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे जो ग्रेन्स है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है एबायोटिक फैक्टर्स में क्या है, जैसे कि अगर डिब्बा खुला रह गया तो मॉइस्चर चला गया उसके अंदर, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया है तो भी हमारे सीड्स क्या हो जाते हैं, जो स्टोर्ड ग्रेन है वो खराब हो जाएंगे, सनलाइट कम होगी, नमी ज़्यादा होगी तो भी हमारे ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्टोर्ड ग्रेन को लॉस करवाने के लिए।
अगर ऐसा होगा तो जिससे क्या होगा, अगर हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, अगर ये फैक्टर्स उनको किसी भी तरह से अगर अफेक्ट करते हैं तो इससे क्या हमारा अफेक्ट होगा, जर्मिनेशन कम होगी इन सीड्स की, कलर चेंज हो जाएगा सीड्स का, डिग्रेडेशन मतलब वो ख़राब हो जाएंगे हमारे सीड्स। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे नमी ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहाँ से हमें अपने सीड्स को स्टोर करने में थोड़ा उसको अलग से रखना चाहिए, वहाँ पर स्टोरेज कम करनी चाहिए हमें। नेक्स्ट है पेज नंबर 210 से है ये क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स। हमें कैटल ब्रीड का मतलब क्या है, जो पशु हैं उसकी नस्ल को हमें सुधारना है, ठीक है, पशु की नस्लों को हमें सुधारना है तो हम किस मेथड से सुधारेंगे और क्यों सुधारेंगे, हम ऐसा करते क्यों हैं, कैटल की ब्रीड्स को हम इम्प्रूव क्यों करते हैं। तो देखिए, कैटल फार्मिंग इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स। कैटल फार्मिंग करते हैं, पशुओं को पालते हैं कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करवाने के लिए। ये पर्पज़ क्या है, क्यों हम इम्प्रूवमेंट करवाते कैटल ब्रीड्स के अंदर, ताकि हमें उनसे ज़्यादा फूड मिल सके। जैसे कि हम भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें उससे जो प्रोडक्शन होगा हमारे मीट का या मिल्क का, जो लेबर वर्क होगा वो हमारा क्या हो, आसान हो जाए, इसके लिए हम फार्मिंग करते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डेयरी एनिमल्स की। तो जो फीमेल्स होगी उनसे हमें क्या लेना है, दूध लेना है, और जो मेल्स हैं उनसे हमें क्या करवाना है, एग्रीकल्चर में जो लेबर का वर्क है वो करवाना है, इरीगेशन करवाना है, टिलिंग करवानी है, कार्टिंग करवानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग जो अच्छी वेराइटीज हैं कैटल्स की, उनके बीच में क्या करवाना पड़ेगा, क्रॉस करवाना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले, अगर हम क्रॉस करवाते हैं किसके अंदर, एक देसी नस्ल की जो हमारी पशु है और एक है हमारा विदेशी नस्ल, विदेशी का मतलब क्या, फॉरन ब्रीड, ठीक है। अगर इनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, देखिए फॉरन ब्रीड नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉरन ब्रीड, और दूसरी कौन सी है, देसी नस्ल बोलते हैं जिसको हम इंडियन ब्रीड। अगर इन दो के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो नई वैरायटी आएगी उसके अंदर क्या होंगे, अच्छी क्वालिटीज होंगी। जैसे कि हम बात करें इंडियन ब्रीड के अंदर क्या क्वालिटी होती है, बीमार कम पड़ती है इंडियन ब्रीड्स, और जो फॉरेन ब्रीड्स है उनकी क्या क्वालिटी होती है, दूध जो देती है वो लंबे टाइम तक देती है। अगर इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवा लिया है जर्सी ब्राउन, स्विस और रेड सिंधी और साहिवाल, तो इनकी जो क्रॉसिंग के बाद जो इनका बच्चा होगा उसके अंदर जो करेक्टर्स होंगे वो दोनों के होंगे, फॉरेन ब्रीड के भी होंगे और इंडियन ब्रीड के भी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 211 से ये क्वेश्चन, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इन इंडिया मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ विच इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करते हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं हम, जो मुर्गी वगैरह पालते हैं उसके हम किस तरह का खाना देते हैं, उनको हम देते हैं फाइबरस खाना, उनको हम क्या देते हैं, उनको ग्रेन्स वगैरह देंगे, अनाज वगैरह देंगे, और उनसे जो हमें फूड मिलता है, उनसे हमें कैसा फूड मिलता है, न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन रिच फूड। जैसे कि हमने मान लिया मुर्गी का पालन किया है, तो मुर्गी को हमने क्या खिलाया, दाना वगैरह खिलाया उसको, लेकिन जो उससे हमें फूड मिला वो क्या है, अंडे है या फिर चिकन है, और अंडे और चिकन में क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। तो एक तरह से काफी अच्छा ये तरीका है, एक सबसे एफिशिएंट वे बोल सकते हो आप, जिसमें जो लो फाइबर फूड स्टफ है, जैसे कि हमने ग्रेन्स वगैरह लिए हैं, उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम लो फाइबर फूड को किस में चेंज कर सकते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड के अंदर। तो ये क्या है हमारा, न्यूट्रिशियस फूड ऑब्टेन करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 211 से ही है, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। जो हमारे डेयरी के जो मैनेजमेंट है और जो पोल्ट्री की जो मतलब जो हम मुर्गी वगैरह पालते हैं और जो हम भैंस गाय वगैरह पालते हैं उनकी जो मैनेजमेंट हम करते हैं उसके लिए जो क्या समानताएं हैं, जो उनको मैनेज करते हैं दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। तो देखिए सबसे पहले क्या, दोनों को ही क्या चाहिए, प्रॉपर शेल्टर। प्रॉपर शेल्टर का मतलब क्या है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे अच्छी तरह का प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए पानी के लिए, हर एक चीज के लिए। सम बेसिक हाइजीनिक कंडीशंस, मतलब हमें वहाँ पे जहाँ पे एनिमल्स को हमने रखा है, पोल्ट्री बर्ड्स को हमने रखा है, वहाँ पे साफ सफाई, अच्छा पानी मिलना चाहिए उन्हें पीने के लिए, फूड जो उनको हम देते हैं वो फूड भी कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड।
थर्ड पॉइंट है एनिमल्स आर कैप्ट इन स्पेशियस एरी एंड वेंटिलेटेड प्लेस, जो हमने एनिमल्स को रखना है वहाँ पे अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, हवा आने का जाने का रास्ता होना चाहिए, स्पेस अच्छा होना चाहिए जहाँ पे एनिमल्स को हमने रखा है, बर्ड्स को रखा है। वेंटिलेटेड प्लेस, वेंटिलेटेड प्लेस का मतलब है जहाँ से जो हवा पास हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का हमारा क्या होना चाहिए एनिमल्स को रखने का, स्पेस होना चाहिए। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज एट द राइट टाइम इज एनश्योर्ड। एक तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के एनिमल्स को पहले इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन कर दी जाती है किसी प्रॉपर डिजीज के लिए। एक तो वो ध्यान में रखेंगे हम कि कब वैक्सीनेशन करनी है हमें, इन पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग वाले जो एनिमल्स हैं इनकी, और राइट टाइम पे उनको कब हमें अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो कैसे उस डिजीज़ से हम उनको क्योर करवाएंगे, कैसे उनको हम जो दवाई वगैरह है जो भी उसको फैसिलिटीज चाहिए कैसे हम उसको टाइमली प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारे क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं किसके लिए, डेयरी एनिमल्स के लिए और पोल्ट्री एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर एंड लेयरर इन देयर मैनेजमेंट। तो ब्रॉयलर कौन होते हैं और लेयरर कौन होते हैं। लेयरर वो होते हैं आपके जो अंडे देते हैं, ठीक है। ब्रॉयलर्स कौन होंगे जिनसे हमें मीट मिलता है, ठीक है। लेयरर कौन होंगे जो हमें क्या देंगे, अंडे देंगे। ब्रॉयलर कौन होंगे, जैसे चिकन होता है उससे हम क्या लेते हैं, मीट लेते हैं, और जो फीमेल हैन होती है उससे हम क्या करते हैं, एग प्रोडक्शन करवाते हैं। तो लेयरर कौन होंगे एग प्रोडक्शन के लिए, ब्रॉयलर कौन होंगे पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन के लिए। तो इसके मैनेजमेंट में कैसे ध्यान रखें हम, इन दोनों के मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए जो हमारे ब्रॉयलर हैं और जो हमारे लेयरर हैं, लेयरर को क्या करना है, एग प्रोडक्शन करवाना है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा रिच सप्लीमेंट्री खाना चाहिए, उनको विटामिन ए और के की क्या होगी, ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो देखिए न्यूट्रिशनल एनवायरमेंटल एंड हाउसिंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉयलर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लेयरर। ब्रॉयलर चिकन की क्या होगी, प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसको किस चीज़ की जरूरत है, विटामिन रिच सप्लीमेंट्री की, स्पेशली विटामिन ए एंड के की। ऑल्सो देयर डाइट इंक्लूड प्रोटीन रिच फूड एंड अ फैट। उनके फूड के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और फैट होना चाहिए। दे ऑल्सो रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर एंड मेंटेनेंस टू इंक्रीज देयर सर्वाइवल रेट इन कंपेरिजन टू द एग लेयर। मतलब हमें ब्रॉयलर के लिए अच्छी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा किसकी जरूरत पड़ेगी, केयर की जरूरत पड़ेगी, किसके कंपेरिजन में, जो अंडे देने वाले जो एनिमल्स हैं आपके जिसको हम लेयरर बोलते हैं उनके कंपेरिजन में। नेक्स्ट है पेज नंबर 213 से क्वेश्चन है हाउ आर फिश ऑब्टेन। जो फिश ऑब्टेन करते हैं हम उसमें क्या, कैसे हम मछली प्राप्त करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो फिश जो मछलियां प्राप्त करने की दो विधियां हैं, सबसे पहले कैप्चर फिशिंग, दूसरी है कल्चर फिशिंग। कैप्चर का मतलब क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके जैसे समुंदर वगैरह है, नदियां वगैरह हैं, उसमें से जाना वहां पे और डायरेक्ट क्या करना, फिश को पकड़ लेना। इसमें हम क्या करते हैं, बस क्या करते हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, नदी हो गए, झरने हो गए, झील हो गए, वहां से बस हम क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। हमें कुछ नहीं करना वहां पे, ना मछली को खाना देना है, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, वहां से बस मछलियों को पकड़ लेना है। दूसरा है यहां पे कल्चर फिशिंग। कल्चर फिशरी के अंदर क्या होता है, मछलियों को हमें पालना पड़ता है, उसकी हमें फार्मिंग करनी पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, उनको खाने से लेकर क्या क्या उसको जरूरत है, कब उसको अंडे की रिलीज करनी है, हर एक चीज का हम ध्यान रखते हैं। तो जो कल्चर फिशिंग है वो दो तरह के वाटर सिस्टम के अंदर करते हैं, फ्रेश वाटर सिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में क्या होगा, जो आपका पानी कैसा होता है, जो आपका पानी ताजा पानी होता है उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, और मैरीन वाटर होता है जो आपका खारा पानी होता है, जो नमकीन पानी होता है। तो दोनों के पानी के अंदर हम क्या करवा सकते हैं, अपनी फिश को कल्चर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 वट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। जो कंपोजिट फिश कल्चर है उसके क्या फायदे हैं। देखो कंपोजिट फिश कल्चर पहले होता क्या है, इसमें हम चार पांच जो वेराइटीज होती हैं फिशेज की उसको इकट्ठा एक सोर्स ऑफ वाटर के अंदर रखते हैं, लेकिन जो वेराइटीज हैं फिशेज की वो इस तरह से सिलेक्ट की जाती हैं कि उनका आपस में खाने पीने के लिए एक दूसरे से कॉम्पिटिशन ना हो। कोई ऐसी फिश होगी जो सरफेस से खाना लेगी, कोई ऐसी होगी जो बॉटम से खाना लेगी, और कोई ऐसी फिश होगी जो कहाँ से खाना लेगी, मिडिल जोन से खाना लेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो कल्चर करवाते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। फायदा क्या है, देखिए इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ द फिश। फिश की यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें हम एक टाइम में 5 से 6 स्पीशीज को एक सिंगल पोंड के अंदर कल्चर करवा सकते हैं, अलग अलग तरह की स्पीशीज को। और उसके बाद क्या होगा, ये जो इनके अंदर जो फूड है उसके लिए कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, और जो सर्वाइवल रेट होगा फिशेज का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
मछलियों में जो संक्रमण होता है, एक तरह से जो इन्फेक्शन है उसको फैलने का जो वो होंगे चांसेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 213 से है। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द डिजायरेबल करेक्टर्स ऑफ द बी वेराइटी स्टेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। आपको क्या करवाना, शहद लेना आपको मधुमक्खियों से, तो उसमें मधुमक्खी में कौन कौन से गुण होने जरूरी हैं आपके अकॉर्डिंग, क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए मधुमक्खी के अंदर, हनी बी के अंदर। तो देखिए क्या है, सबसे पहले उसका जो हनी है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इस तरह की बी की वेराइटी होनी चाहिए हमारी। दूसरा है, दे शुड नॉट स्टिंग मच, जो उनका डंक होता है वो मधुमक्खियां कम डंक मारने वाली होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें शहद को क्या करना है, निकालना भी है वहां से, तो मधुमक्खियों के जो डंक होता है वो कम से कम मारे, ऐसी मधुमक्खियों को हमें पालना चाहिए। तीसरा है, दे शुड स्टे इन द बीहाइव फॉर द लॉन्ग टाइम, वो ऐसी होनी चाहिए जो क्या कर सके, लंबे टाइम तक अपने जो छत्ता है उसके अंदर वो रह सके। दे शुड ब्रीड वेरी वेल, और जो ब्रीड करती हैं मतलब जो अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं वो जल्दी जल्दी से ब्रीडिंग करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके। तो ये सारे क्या है, डिजायरेबल करेक्टर्स हैं जो किसके अंदर होने चाहिए, एक बी के अंदर होने चाहिए, जो कि किसके लिए स्टेबल है, हनी के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज पाश्चुरेज एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द हनी प्रोडक्शन। पाश्चुरेज क्या है और ये हनी प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले पाश्चुरेज को समझिए क्या होता है, जो हमें शहद इकट्ठा करना है तो उसके जो आसपास का जो एरिया है जहाँ पे फूल लगे होते हैं, जहाँ पे क्या लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, पाश्चुरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाश्चुरेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से मधुमक्खियाँ अपना शहद इकट्ठा करती हैं, पोलन इकट्ठे करती हैं, और जिससे वो क्या प्रोडक्शन करवाती हैं, हनी की प्रोडक्शन करवाती हैं। और जो टेस्ट है और जो क्वालिटी ऑफ हनी है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन फूलों वाली जगह के ऊपर डिपेंड करती है, जहाँ से मधुमक्खियों ने क्या किया है, पोलन इकट्ठा किया है, नेक्टर उसने वहाँ से इकट्ठा किया है, ठीक है। तो ये है आपका पाश्चुरेज। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।